मिशन जय भीम जाति छोड़ो समाज जोड़ो के तहत बुद्ध धम्म रथ यात्रा का बेगूसराय में आगमन। बेगूसराय शुक्रवार के दिन मिशन जय भीम के तहत बुद्ध धम्म रथ यात्रा का आज बेगूसराय जिला में आगमन हुआ है, जिसका स्वागत जिले के बाघा में डॉक्टर अशोक पासवान, रामउदय पासवान एवं वहां के तमाम समाज सेवी ने भव्य स्वागत किया। बताते चले कि यह ऐतिहासिक बुद्ध धम्म रथ यात्रा बिहार प्रांत के सभी 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड एवं गांव तक सभी बहुजन नायकों के कार्यों, बोधि सत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नव भारत निर्माण में योगदान एवं गौतम बुद्ध के विचारों को 534 जनसभाएं, 101 नुक्कड़ सभाएं, 10,00,000 हैंडविल, 10,800 किलोमीटर यात्रा कर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को अवगत कराने का लक्ष्य रखा है। यह रथ यात्रा 12 मार्च 2023 को बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया से प्रारंभ की गई है, जो कि 5 मई 2023 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजधानी पटना में समापन किया जाएगा। यह यात्रा कुल 55 दिनों का है। वहीं मिशन जय भीम रथ यात्रा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पंकज पासवान ने बताया है कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य भारत के पहले समतामूलक समाज के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे, उनके बाद बहुजनों के सैकड़ों जो समतामूलक समाज के समर्थक रहे, उन सभी के विचारों एवं नव भारत के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्य को लेकर और समाज में करुणा, मैत्री, सद्भाव, अखंड भारत के लिए यह बुद्ध धम्म रथ यात्रा बिहार के सभी जिलों, प्रखंडों के जन जन तक जा रही है, जिससे समाज में करुणा, मैत्री का सद्भाव रहे, गौतम बुद्ध के विचारों को समाज तक पहुंचाना, जिससे कि जाति पाति धर्म के ऊपर लड़ाई ना हो, और बाबा साहेब का जो सपना था कि प्रभुत भारत बने, इसी उद्देश्य से यह रथ यात्रा निकाली गई है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इधर ये जो बुद्ध धम्म यात्रा रथ निकाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? बुद्ध धम्म रथ यात्रा जो 12 मार्च को बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया से प्रारंभ हुई है और विभिन्न जिला होते हुए बेगूसराय पहुँचे। बुद्ध धम्म रथ यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत के जो पहले समतामूलक समाज के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे, उनके बाद बहुजनों के सैकड़ों जो समतामूलक समाज के समर्थक रहे हैं, उन सभी को विचार एवं नव भारत, आज़ाद भारत के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए भारत के निर्माण को, इन सभी कार्यों को लेकर के और समाज में करुणा, मैत्री, सद्भाव, अखंड भारत के लिए बुद्ध धम्म रथ यात्रा बिहार के सभी जिलों, प्रखंड तक जा रही है और जितने समाज में करुणा, मैत्री, सद्भाव जो है, गौतम बुद्ध का जो विचार है, बाबा साहब का जो कार्य किया गया भारत निर्माण में, और बहुजन के सभी नायकों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जन जन तक जा रहे हैं, जिससे समाज में एकता बना रहे, जाति पाति धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं हो, समाज में करुणा, मैत्री का संदेश जाए और भारत को पुनः जो सोने की चिड़िया, जिसे प्रबुद्ध भारत कहते हैं, प्रबुद्ध भारत का जो बाबा साहब का सपना था कि भारत प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत बने, उनके उद्देश्यों को लेकर के बुद्ध धम्म रथ यात्रा बिहार में चल रही है। अभी तक कितने जिले में आप भ्रमण कर चुके हैं? अभी तक हम लोग 15 जिला भ्रमण कर चुके हैं और जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, सपना था, प्रबुद्ध भारत, यानी भारत का हर एक नागरिक शिक्षित हो, हर एक नागरिक समृद्ध हो, तभी भारत समृद्ध भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, प्रबुद्ध भारत बनेगा। इसलिए बाबा साहब का जो सपना था, उनको पूरा करने के लिए हम लोग सभी भारत को, नव भारत को पुनः समृद्ध भारत बनाने के लिए बुद्ध धम्म रथ यात्रा के माध्यम से समाज में जा कर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसका समापन कब तक? इसका समापन सर 5 मई, वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की राजधानी और सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में जो राजभवन है, बिहार की राजभवन, वहाँ से शोभा यात्रा के रूप में एक यात्रा निकाल करके और बुद्धा स्मृति पार्क में जाकर इस एक बड़े भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और वहाँ पे ये बुद्ध धम्म रथ यात्रा का समापन के बाद भारत के पड़ोसी जो देश हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, वहाँ भी भगवान बुद्ध का जो विचार है और बाबा साहब का जो उद्देश्य है, इन सभी विचारों को लेकर के भारत के अन्य पड़ोसी देशों ने भी बुद्ध धम्म रथ यात्रा जाएगी। आज बेगूसराय में आए हुए हैं, यहाँ
कहाँ कहाँ भ्रमण करना है? यहाँ बेगूसराय का कई जगह चिन्हित किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, वो हमारे पास अभी सूचना नहीं आई है। जो स्थानीय लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो जहाँ जहाँ भी हमें ले जाएंगे वहाँ पे हम लोग इन सभी विचारों को रखेंगे और उसके बाद दूसरे जिला के लिए हम लोग रवाना करेंगे। आपका परिचय क्या हुआ जी? मेरा नाम पंकज बौद्ध हुआ और मिशन जय भीम बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ।